माह मुहर्रम की आज 2 तारीख हो चुकी है। हम सभी बीबी दो आलम हजरत फातिमा शरीफ की बारगाह में तसलियत के लिए हाजिर हो गए हैं, उनको पुरसा देने के लिए हाजिर हो गए हैं। अजीजों, हम लोग खुश नसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने हम सभी को ये मोहलत इनायत फरमाई, ये वक्त दिया कि इमाम ज़माना को पुरसा दे। अजीजों, जिस आय करीमा को आपके सामने पेश किया, सूरह मुबारक निसा की बहुत ही मशहूर और मारूफ आय करीमा है। तकरीबन बच्चा बच्चा भी जानता है और बुजुर्ग तो बखूबी वाकिफ ही है। अजीजों, इसमें खुले अल्फाजों में ये बयान किया जा रहा है कि अतीउल्लाह, कि अल्लाह की इताअत करो, वा अतीउर रसूला, और उसके रसूल की इताअत करो, बेशक बेशक, वा उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र यानी वलीउल्लाह की इताअत करो। अजीजों, हमारे माशरे में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं, बहुत सी तकरीरें सुनते हैं, बहुत सी मजलिसों में नशिस्तों में जाते हैं, जलसात में जाते हैं, लेकिन अजीजों उसका असर हमारे ऊपर कितना होता है, कभी हमने गौर और फिक्र किया है? ये उलिल अम्र है कौन? एक सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये उलिल अम्र है कौन अजीजों? एक सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेजे। अजीजों, सबसे पहले हमें यह मालूम करना चाहिए कि उलिल अम्र है कौन। जब तक हम उलिल अम्र को ही नहीं समझेंगे तो अजीजों अपनी जिंदगी को हम सही रास्ते पर नहीं ले सकते, सही तरीके से नहीं गुजार सकते। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार ने क्या कहा, मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो, उसके बाद में उलिल अम्र की इताअत करो। अजीजों, परवरदिगार की हम इताअत करते हैं, परवरदिगार ने कहा, हुक्म दिया, हम उसकी इताअत कर रहे हैं, उसके बाद उसने क्या कहा, मेरे रसूल की इताअत करो, हमने उसके रसूल की भी इताअत की। अजीजों, रसूल चले गए, उसके बाद हम क्या बयान फरमा रहे हैं, वा उलिल अम्र मिनकुम, और मेरे उलिल अम्र की इताअत करो। अजीजों, बहुत से अफरादों ने तफसीर गलत तफसीर की है। क्यों? जब अजीजों कुरान का सही से तर्जुमा नहीं होगा और उसकी सही से तफसीर नहीं होगी तो हम गलत रास्ते पे भटक जाएंगे और हमारा माशरा एक ऐसे मकाम पर आके खड़ा हो जाएगा कि अजीजों वहां पर जिंदगी गुजारना दुभर हो जाएगा, हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। माशरे में जिंदगी गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, माशरे के तौर तरीके को हमें अपनाना होगा। तन्हाई में हम जिंदगी नहीं गुजार सकते, माशरे से कट जाए, लोगों से अलग हो जाए, अब चाहे कि ऐसे हम जिंदगी गुजारे नहीं गुजार सकते। तो अजीजों, माशरे में जिंदगी गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंसान अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत चाहता है। जिस माशरे में वो जिंदगी गुजार रहा है उसमें उसकी जान, उसका माल, उसकी इज्जत,
कि परवाह की जा रही है कि नहीं की जा रही है। और अजीजों ये तौर तरीका हमें कौन बताएगा? उसका रसूल बताएगा और उसके बाद उसका वली बताएगा। उलिल अम्र मिनकुम। अजीजों अगर हमने उलिल अम्र को पहचानने में ही कोताही कर दी, उसको हमने सही से पहचाना ही नहीं, तो गलत रास्ते पर भटक जाएंगे। तारीख में इस्लाम उठाकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने अजीजों गलत उलिल अम्र को चुना वो गलत रास्ते पर चले गए। अजीजों हम उलिल अम्र किसे चुनेंगे? परवरदिगार ने क्या सबसे पहले जुमला अदा किया? अतीउल्लाह। जो परवरदिगार कह रहा है हम उसकी इताअत करें। कुरान मजीद उठाकर देख लीजिए, परवरदिगार क्या बयान फरमा रहा है? हम उसकी इताअत करते चले जाएं। उसके बाद में क्या कह रहा है? अतीउर रसूल, उसके रसूल की इताअत करते चले जाएं। अब दो पैमाने हमें दे दिए, इन दो पैमानों के मुताबिक अगर कोई आगे हमें रास्ता बता रहा है तो वो उलिल अम्र है। अगर इनके बरक्स बता रहा है तो उलिल अम्र हर्ग ही नहीं हो सकता। सलावत भेजे
देखिए सूरह हुजरात में परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्तरो कौमुम मिन कौम। क्या बयान हुआ। आयत नंबर 11 में परवरदिगार बड़े खूबसूरत अंदाज से कह रहा है, ऐ ईमान वालों जो ईमान ले आए ला यस्तरो, मजाक ना करें, खिल्ली ना उड़ाएं, तमस्कुर ना करें, किसका, कौमुम मिन कौम, एक गिरोह दूसरे गिरोह का। और अजीजों ये जो बुजुर्गान का मशवरेबाजी अक्सर कौन करता है, जवान अफराद करते हैं। और इसके पहले अजीजों इसकी तफसील में जाए आपको एक हदीस सुनाता चलो, इमाम जाफर जब इस आय करीमा को एक शख्स ने पढ़ा और पढ़ने के बाद इमाम की बारगाह में आता है और आने के बाद कहता है, देखिए माशरे में हम किस तरीके से रहेंगे, किसी को नीचा ना समझे, किसी को गिरा हुआ ना समझे, जब हम इन तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे तो गोया कि हमने इताअत किसकी की, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत की, और उसके बाद अतीउर रसूल और उसके रसूल की इताअत की, और उसके बाद अहले बैत उलिल अम्र। अजीजों तफसीर में पूरी तफसीर, अगर उधर जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उस तरफ नहीं जा रहा हूं। अजीजों तो अहले बैत की इताअत है और वो कैसे होगी, जैसे उन्होंने बताया उस तरह से हमने जिंदगी को गुजारा और बसर करें। तो अजीजों मौला की खिदमत में आया वो शख्स, आने के बाद कहने लगा, मौला ये बताइए इसमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खुले अल्फाजों में आमनू यानी जो ईमान ले आए, जो अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, उलिल अम्र को मानते हैं, उनके लिए क्या मौला उनको खिताब हो रहा है या मुनाफिकीन को भी खिताब हो रहा है। इमाम ने कहा इसमें जाहिरी तौर पे आमनू का लफ्ज हुआ है लेकिन ये हर एक से खिताब हो रहा है। अजीजों अगर ये इमाम इसकी तफसीर न करते तो जो मुनाफिक थे बड़े खुश हो जाते, क्योंकि हमसे कहा ही नहीं गया। नहीं अजीजों हर एक से कहा गया है क्या, लायस करो मजाक ना करें, किसका, एक कौम का दूसरे कौम से, एक गिरोह का दूसरे गिरोह से। अब अजीजों ये मसखरा हम क्यों करते हैं, एक दूसरे के खिल्ली क्यों उड़ाते हैं, इसलिए कि जब माशरे में बैठे अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई काबिल है ही नहीं, क्योंकि सारा इल्म हमारे पास ही है, हमारी झोली में ही परवरदिगार ने डाल दिया, लिहाजा हमसे बड़ा कोई नहीं है। जब इंसान के जहन में यह तसव्वुर आ जाता है तो फिर मशवरा करता है, और जब तन्हाई में जाता है तो शैतान का गलाता नहीं, वहां पर यह नहीं कहता कि हाँ तू सबसे बड़ा है इल्मी एतबार से, या फिर इंसान कब मशवरा करता है, जब उसके पास सोचता है कि दौलत हमारे पास है, अब जो हम चाहें वो कर सकते हैं। जब इंसान के जहन में यह तसव्वुर आ गया तो फिर उसके बाद में मशवरा करेगा, और इसके लिए सख्ती से इमाम ने मना किया है कि जो मशवरा करता है, तो इमाम भी मना कर रहा है, कुरान की आयत वाज़ह तौर पे कह रही है, जो मशवरा करेगा उसे परवरदिगार माफ नहीं कर सकता। क्यों, इसलिए कि हो सकता है अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी, अगर हमने रोजे नहीं रखे और दीगर जो वाजिबात हमको अदा नहीं किया है तो हो सकता है परवरदिगार हमें माफ कर दे, उससे उम्मीद लगाए हुए हैं, उससे लौ लगाए हुए हैं। लेकिन अजीजों अगर हमने इसकी दिल शिकनी कर दी तो अजीजों को नहीं माफ करेगा, कब तक नहीं माफ करेगा, जब तक सामने वाला नहीं माफ करेगा। हुकूक-उन-नास का ख्याल जब तक नहीं होगा नहीं माफ कर सकता। और अजीजों उसी के आगे परवरदिगार आलम ने क्या बयान फरमाया, दूसरी आयत में, ये 11वीं आयत थी, 12वीं आयत में परवरदिगार क्या बयान फरमा रहा, वहां पे भी खिताब मोमिनों से हो रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनबू कतीरुम मिनद्दन इन्ना बादद्दन इत्मुन। क्या बयान फरमा रहा परवरदिगार, परवरदिगार कह रहा है ईमान वालों इज्तनबू परहेज करो, इज्तनाब करो, किससे, कतीरुम मिनद्दन
जन यानी गुमान से सुए जन, एक हुस्न जन होता है एक सुए जन होता है। हुस्न जन का मतलब किसी के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा तसव्वुर कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई खामी नहीं है। लेकिन अजीजों इसके बरखिलाफ सुए जन होता है। इसमें आगे कुरान में परवरदिगार क्या बयान फरमा रहा है, इन्ना बाजु जन्ना इस्मुन, इस्मुन अलिफ है से है मीम है, इस्मुन का मतलब होता है गुनाह हो सकता है। इन्ना बेशक बाजु जन्ना बाज गुमान गुनाह में भी बदल जाते हैं। अब अजीजों दोनों की तारीफ आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूं, एक है सुए जन एक है हुस्ने जन। जब इंसान हुस्ने जन करता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इंसान अगर वही सुए जन कर रहा है तो उसमें गुनाह है। अब अजीजों इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, इमाम जाफर सादिक बयान करते हैं कि मौला अमीर अलैहिस्सलाम बयान कर रहे थे और कहते हैं कि एक वो चीज जो माशरे में हर एक के सामने आया है और वाज़े रोशन है, अगर वो कोई शख्स किसी के लिए कह रहा है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं, कोई अजाब नहीं होगा परवरदिगार का। उसके बाद में आगे बयान फरमाया, कहा कि अगर लोगों में कुछ नहीं जानता, वो लोग नहीं जान रहे हैं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, और उसी बात को अगर हम लोगों के दरमियान में कह रहे हैं तो इसको कहते हैं गीबत। तो उसके बाद में आगे बयान फरमाया, अगर उस शख्स ने कुछ नहीं कहा और उसके बावजूद भी वो शख्स कह रहा है तो इसे कहते हैं तोहमत। अज़ीज़ों और उलमाओं से ज़ाकिरीन से खुतबा से आपने सुना होगा गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत करना यानी मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। अजीजों इसके बाद किसी ने खत्मीय मर्तबा हजरत मुहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद से पूछा, या रसूल अल्लाह गीबत का गुनाह कैसा है? पूरी तवज्जो चाहता हूं, शायद ये हदीस किसी से ना सुनी हो, अगर सुनी हो तो हमारे अल्फाज होंगे। इमाम रसूल का कौल है, अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। अजीजों रसूल ने बयान फरमाया, गीबत करने वाला शख्स जिनाकार से भी बदतर है। बहुत बड़ा जुमला कह गया, आपने बड़े खामोशी से सुन लिया। अजीजों कोई और नहीं, वक्त का रसूल जो पूरी कायनात से सबसे अफजल है, सबसे पहला खुदा उसके बाद रसूल उससे बढ़ के कोई नहीं, वो बयान फरमा रहा है अगर कोई शख्स गीबत कर रहा है जिना से भी बदतर है। फौरन वहीं पे शख्स खड़ा था, कहा मौला हमें ये बता दीजिए कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में से है, अगर कोई शख्स इस फेले बद में मुब्तला हो जाता है तो अजीजों उसकी उम्र घटा दी जाती है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है, उसकी उम्र से बरकतें हट जाती हैं, नेमतें सल्ब कर दी जाती हैं। तो अजीजों जैसे ही रसूल अल्लाह से ये सवाल किया, अजीजों साहिल ने भी क्या खूब सवाल किया, बहुत जहीन रहा होगा, तभी तो उसने ये कह दिया या रसूल अल्लाह जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन ये उससे बदतर क्यों है? तो अजीजों रसूल अल्लाह मुस्कुराए, कहा इसलिए कि जिना करने वाला यानी जानी अगर परवरदिगार की बारगाह में आएगा और आने के बाद कहेगा परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में शर्मिंदा हो गया हूं, बहुत ही खराब फेल अंजाम पाया है उनसे, मुझे माफ फरमा। परवरदिगार करीम है, रहीम है, तवाब है, माफ कर देगा। लेकिन रसूल अल्लाह कहते इसने गीबत की है, हक़ुन नास इसने जाया किया है, लिहाजा जब तक वो शख्स नहीं माफ करेगा परवरदिगार भी नहीं माफ कर सकता। वाँ 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 एक सलावत भेजिए।
भाई, ये मिंबर का करम होता है अजीजों। वाकयान कहीं जब बहुत सी जगहों पे कुछ ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं, उनके अंदर दुनिया की कोई ऐसी खराबी नहीं होगी जो न पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद रोड से कोई गुजर रहा है और हम कहेंगे भाई हाँ, जैसे हम आपको नहीं पहचानते, आप में किसी को बहुत से अफराद को जान गया हूं अभी तक, जिनको नहीं जानते वो आए, मिसाल दे रहा हूं, वो ऐसे है नहीं, ये ना कहिएगा कि हमें बुरा बना गया मौला, एक सलवात है जो बदलना जो फर्शे आजाब पे आता है अजीजों, बीबी उसे पाक करके भेजती है, वो तमाम गुनाहों से पाक हमें बर रहा है। बेशक अजीजों, एक शख्स आया, उसके अंदर तमाम खामियां पाई जाती, हम उसे नहीं पहचानते, वो हमें नहीं पहचानता। आने के बाद आया कहा भाई वो शख्स देखो आया, जानते कैसा है, हर एक कमियां की नाम शुरू कर दी। अजीजों, हम दूसरे की कमियां ढूंढ रहे हैं, अगर अपनी कमी देखने लगे तो हमारा खुद खुद माशरा सुधर जाएगा, तमाम अच्छाइयां पाई जाएंगी। अजीजों, ये आपस में तफरकाबाजी किस लिए हो रही है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं। लेकिन अगर वही अजीजों कुछ लम्हों के लिए रूल बना दें, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, जो भी गूगल पर डालेंगे तमाम चीजें आ जाएंगी, आयमा अलैहिस्सलाम के कौल डालिए, ज्यादा नहीं सिर्फ 5 मिनट रोजाना दीजिए और पढ़िए अजीजों, एक साल के बाद देखिएगा अजीजों, आज 2 मुहर्रम है, अगले साल 1445 हिजरी का ये मुहर्रम होगा, 2 तारीख होगी, आपके अंदर बहुत सी चेंजिंग आ गई होगी, अगर सिर्फ 5 मिनट देंगे, 2 या 5 मिनट दें सिर्फ, ज्यादा नहीं, मोबाइल में तो बहुत लगे रहते हैं, मैसेज आया बगैर देखे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये भी चीज है, और खासतौर से वो मैसेज अगर इतने लोगों को पहुंचा देंगे तो अहले बैत ये कर देंगे अजीजों, अहले बैत इसके मुकाबले नहीं। हमारे माशरे में बहुत से सही अकीदे वाले होते हैं, क्या अरे हमसे ये नहीं हुआ था इसलिए हो गया था, औज़ बिल्लाह, अहले बैत अजीजों क्या बदला लेते? अहले बैत हमसे बदला लेंगे? फिर क्यों हम कहते हैं अजीज अकीदा हमारा कमजोर है? अगर हमसे हमने कुछ कोई चीज मान ली और उस चीज को फरामोश कर दिया और उसके बाद इत्तेफाक हो गया, कोई गलत काम हो गया हमारे लिए जो नहीं होना चाहिए था, अब सीधे सीधे हमारा जहन पहुंचता उधर कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हमने वो चीज नहीं की इसलिए मौला अब्बास ने दिखा दी। अजीज मौला अब्बास इतने सस्ते हैं, इसीलिए वो बैठे हुए वहां से, हां तुमने हमसे नजर मानी थी नहीं पूरी की, लिहाजा ये हो गया, नहीं अजीजों ये हमारा अकीदा कमजोर है। वो बहुत बड़े शख्सियतें हैं, हमारे तसव्वुर में नहीं आएंगी, हमारे जहन में नहीं आएंगी, क्यों अजीजों? एक बहुत मशहूर जाकिर हर जगह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, बहुत प्यारा जुमला अदा किया था अजीजों, जहन की बात आ गई तो कह रहे थे अली जहनों में नहीं आता, कहा क्यों? कहा जब खाना काबा में आए थे तो दीवार फट गई थी, अगर जहनों में आएंगे तो जहन फट जाएंगे। सलवात में नाराज करें जो हमारे अकीदे के खिलाफ है। अजीजों, ये खुद हमारे अकीदे के खिलाफ है, ये हमारा अकीदा है, अहले बैत से जो हम मांगेंगे वो अता करेंगे। अजीजों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान के जहनों में नहीं आएगी, वो चीज हुई है। और अक्सर जब मैं तालीम हासिल करके मदरसे से आता था तो इमाम रजा के हरम से गुजरता था होते हुए,
وہاں کا یہ تقاضا ہے, بات آگے کہہ رہا ہوں عزیزو, اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا. عزیزو جب بھی آتا تھا امام کے وہاں ایک نقارہ بستا, جیسے بادشاہوں کے وہاں بڑے بڑے افرادوں کے وہاں نقارے بجا کرتے تھے, وہی رواج آج بھی ہے, دو ٹائم پہ ویسے ہمیشہ بجتا. ایک جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو نقارہ بجتا ہے اور یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آ دیکھو سورج نکلنے والا ہے, جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ نماز ادا کر لیں. ویسے ہر ایک دیکھتا ہے لیکن یہ ایک رسم ہے تو وہاں پر نقارہ بجایا جاتا ہے. اور دوسری صورت عزیزوں وہ یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب نقارہ بجتا ہے. اور تیسری صورت عزیزوں جب کسی کو شفا ملتی ہے تب نقارہ بجایا جاتا ہے. کوئی بھی وقت ہو, 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت ہو. تو اکثر جب میں تعلیم حاصل کر کے واپس ہوتا تھا تو نقارہ بجتا تھا, کیوں؟ اس لیے کہ کسی نہ کسی کو شفا ضرور ملتی تھی. عزیزوں جس کا جتنا عقیدہ ہوتا ہوگا اس کو اتنی ہی جلدی شفا حاصل ہو جائے گی. اور ہماری اگر عزیزوں بہت سی باتیں ذہن میں اسی حوالے سے آ رہی, ادھر نہیں جاؤں گا, اگر ادھر چلا گیا موضوع ہی بدل جائے گا. تو اپنے آپ کو ہم اس طریقے سے ڈھالیں کہ دور سے آنے والا شخص اپنا راستہ نہ کاٹ لے کہ ہاں شریف آ رہے ہیں بھائی, یہاں سے چلیں گے کچھ حاصل ہوگا, ہماری عزت و اکرام ہوگا. اور اپنے آپ کو ایسا نہ بنا لیں, دور سے دیکھے راستہ کاٹ دیں کہ بھائی ایسے آ رہے ہیں کہ معاشرے والوں کو جینا دوبھر کر دیا ہے. عزیزوں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی سیرت کو نہیں اپنایا, اہل بیت کی سیرت کو نہیں دیکھا. اگر اہل بیت کی سیرت کو دیکھ لیتے, اگر آداب معاشرت کی تاریخیں ہم پڑھ لیتے تو عزیزوں جو ہمارے معاشرے میں فساد و فتنہ ہوتا ہے کبھی نہ برپا ہوتا. کیسے عزیزوں؟ وہ اس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک مرتبہ امام کے ساتھ امام کا ایک صحابی, امام کا چاہنے والا, امام کا ماننے والا, امام کا ہم نشین امام کے ساتھ جا رہا تھا. کس انداز میں جا رہا تھا؟ امام آگے آگے تھے, وہ پیچھے پیچھے تھا, اس کے پیچھے اس کا غلام تھا. پوری توجہ عزیزوں, دیکھیے امام کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں آداب دے رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں. اب عزیزوں مولا آگے آگے, اس کے پیچھے امام کا چاہنے والا, اس کے پیچھے اس کا چاہنے والا, اب اس طریقے سے راستہ طے کر رہے ہیں. کچھ دور ابھی چلے تھے, پیچھے مڑ کے امام نے دیکھا کہ وہ شخص کہاں چلا گیا جو ہمارے ساتھ چل رہا تھا. کیا دیکھا؟ کچھ فاصلے پہ ہے. اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہمارا غلام کہاں گیا, اس کی نظروں سے اوجھل ہوا. عزیزوں نہ سزا فاسدا کی عمر سے وعدہ نہیں کیے جا سکتے, غلط بات کہی. اب جیسے غلط بات کہی امام کی خدمت میں آیا, امام ناراض ہو گئے. امام جب ناراض ہو گئے, امام سے کہا مولا وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے, قندی دوسرے مذہب کا ہے. مولا نے کہا چاہے جس مذہب کا ہو, تم نے اس کی ماں کو بدکارہ کہہ کے بلایا ہے. کہا مولا اس کا عقد اسلامی طور سے نہیں ہوا. امام نے فوراً کہا اس نے اپنے مذہب کے اعتبار سے تو شادی کی ہے, پھر وہ زانی کیسے ہوا؟ اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام نے اپنی بزم سے اس طریقے سے نکالا, زندگی کے آخری لمحات تک امام کے پاس نہیں پایا گیا. عزیزوں یہ امام کا کردار ہے. اب اپنی غریبان جھانک کر دیکھیں کیا ہمارا یہ کردار ہے. فوراً کچھ نہیں ہوا, اس کی ماں کو گالی دے دی, اس کے ماں باپ نہ جانے پشت ہم نے گنا لی. کس لیے کر رہے ہیں؟ امام کے ماننے والے ہیں, امام کے چاہنے والے ہیں, رسول کے ماننے والے ہیں. عزیزوں رسول کا کردار سنیں گے کیا ہے؟ عزیزوں معاشرے میں جو غلط افواہیں پھیلاتے ہیں وہ سنیں عزیزوں,
رسول اللہ کس دور میں آئے تھے؟ جاہلیت کا دور تھا، جہاں پہ عرب بدو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اس عالم میں رسول اللہ آئے ہیں، معاشرے کو کس طریقے سے سدھارا؟ عزیزوں، وہ کافر جو رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، وہ رسول کو امین کہہ کے بلا رہے تھے، اور رسول اللہ نے کہا تھا اے لوگوں اگر میں تم سے کہوں، سنا ہوا ہے عزیزوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے اور تم جا کے دیکھو، اگر نہ ہو تو کیا کرو گے؟ عزیزوں، رسول پہ اتنا بھروسہ ہو گیا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ، رسول تو نہیں کہتا انہوں نے، میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، میں یہ کہوں گا ہماری آنکھیں اندھی ہیں لیکن آپ سچے ہیں۔ بے شک عزیزوں، کہ ہمارا کردار ایسا ہے، ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں ہم سچے ہیں، سچوں کے ماننے والے ہیں؟ اگر ہیں تو بے شک کہیں، کیونکہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں، سچوں کا کردار اپنائیں۔ جہاں پہ دشمن وہ گیت گا رہا ہے، وہ قصیدے پڑھ رہا ہے، اپنے کردار کو ہم ایسا بنائیں لوگ ہماری طرف کھینچے ہوئے چلے آئیں، ایسا نہ بنائیں ہمیں دور سے دیکھیں فرار اختیار کریں۔ عزیزوں، ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں جب ہماری بزم میں آئے تو خوش ہو کر جائے، اپنے کردار کو ایسا نہ بنائے ہماری بزم میں آئے تو مایوس ہو کر واپس جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ انشاءاللہ جیسے چاہے تو میں ایسے بیان بھی ہوگا، آگے فضائل اہل بیت بھی بیان ہوں گے، اور یہ فضائل بھی تو یہ بھی تو فضائل ہیں، فضیلت ہیں اہل بیت کی، ان کا کردار وہی تو فضیلت ہے کہ معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ اور عزیزوں، جب رسول اللہ اس معاشرے میں آئے تو لوگوں نے کیا کہا کہ ایک جوان آیا ہوا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے باتوں میں جادو ہے، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، وہ تمہیں یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ عزیزوں، ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں، افسوس، غلط افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، سامنے والا کچھ نہیں کہتا، اس کے خلاف پروپوگنڈا رچا جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ مجھے بدنام کر دیں۔ وہ یہ نہیں جانتے تعز من تشاء وتذل من تشاء، پروردگار جسے عزت دینا چاہے گا اسے عزت دے گا، اور جسے ذلیل کرنا چاہے گا اسے ذلیل کر دے گا۔ سامنے کی مثال ہے عزیزو، یزید کیا چاہتا تھا، کیا ہو گیا؟ امام حسین ایک صحرا میں تھے لیکن پروردگار کی رضا کے لیے گئے، پروردگار نے اتنا بلند کیا، آج پوری دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ اور عزیزو، پوری کائنات میں اگر یزید یاد کیا جاتا ہے تو لعنت کے تھوک سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند، اس لیے کہ امام حسین کو خدا کے اوپر بھروسہ تھا اور یزید کو اپنے اوپر بھروسہ تھا۔ عزیزوں، اگر ہمیں بھی صرف اپنے اوپر بھروسہ ہونے لگا اور خدا پر سے بھروسہ ہو گیا، اسی وقت سے پستیوں میں چلے جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ عزیزوں، اپنی بات مکمل کروں، عبادت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ آئے معاشرے میں، سوچ کے آئے تھے بہت کچھ، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک سوال ہے تو دیکھیے، جب رسول اللہ آئے تو لوگوں نے افواہیں اڑائی کہ وہ جادوگر ہیں، وہ ساحر ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ عزیزوں، بہت روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے آنکھوں میں پمبا لگا دیا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ تلاوت قرآن پاک نہ سننے پائے۔ عزیزوں، اس کا ایک ایسا معجزہ ہے قرآن، اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا ہے تو سنے اسے، اس میں اتنی جذابیت پائی جاتی ہے کہ غلط راہوں سے بچائے گی قرآن۔ عزیزوں، ایک مرتبہ رسول اللہ گزر رہے ہیں،
खातून है, ज़ईफ है, कमजोर है, बोझा अपने सर पे नहीं लाद के ले जा सकती। रसूलुल्लाह है, अपने सर पे उस बोझे को उठाया, ये रसूल का किरदार है। वो खातून क्या कह रही, ऐ जवान तो मोहम्मद के पास ना जाना, वो तुम्हें गुमराह कर देगा, गलत रास्ता तुम्हें बताएगा, वो साहिर है, वो जादूगर है। बहुत बातें बताई, यहां तक कि उसका घर आ गया और उसके बाद में बोझे को वहीं पर रख दिया। जब जाने लगे तो रसूलुल्लाह ने कहा, जिसके बारे में अभी तू जिक्र कर रही थी, मैं वही मोहम्मद हूं। पूरी तवज्जो अज़ीज़ो, अब जैसे ये जुमले अदा किए, कहा अगर तू ही मोहम्मद है तो तेरे हाथ में मैं कलमा पढ़ती हूँ। ये है रसूल का किरदार, उन्हीं के सामने उनको बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन अजीजों उन्होंने क्या किया, क्या उसे बुरा भला कहा? एक मिसाल देते हैं, गंदगी में अगर हम ढेला फेंकेंगे क्या होगा, गंदगी खुद हमारे ऊपर उछल के आएगी। तो अजीजों अगर हम बुरे को बुरा कह के हमें कुछ हासिल हो जाए तब कहना, हम बुरे को बुरा कहेंगे वो हमारे अच्छे को बुरा कहेगा। तो अपना किरदार ऐसा ना बनाए कि हमारे अच्छों को बुरा कहा जाए। अजीजों ये सिर्फ रसूल का किरदार था, कभी रसूल पे ना जाने किस तरीके की गंदगियां डाली गई, फेंकी गई, लेकिन रसूल ने बर्दाश्त किया, किस लिए? ताकि इस्लाम फैल जाए, माशरा हमारा सुधर जाए, जो माशरे में हमारी कमियां वो दूर हो जाए। अजीजों कुरान में देखिए न जाने कितनी आयत और रवायत मौजूद है, इन्नल्लाह खल्कन अजीम, क्यों कह रहा परवरदिगार रसूलुल्लाह के लिए? वो पूरा तफसीर में इसकी नहीं जाएंगे, अगर तफसीर में जाएंगे तो बहुत बड़ा वाक्या हो जाएगा। कैसे कहा परवरदिगार आलम ने के बेशक ऐ मेरे हबीब, आप तो अखलाक के अजीम दर्जे पे फायज हैं। अजीम नहीं कौन चीजें हैं, रसूल का अखलाक देख के एक शख्स आया, तेजी के साथ रेदा खींचा, रसूल के गर्दन पे निशान पड़ गया, रसूल मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा अगर ये शख्स परेशान हाल है तो इसकी परेशानी दूर कर दी जाए। अब जैसे ही रसूल होंठ मुस्कुराए और ये जुमले अदा किए, परवरदिगार की आयत नाज़िल हो गई, ऐ मेरे हबीब तो इखलाक के अजीम दर्जे पर फ़र्ज़ है। क्या हमारे माशरे में ये चीज पाई जाती? अगर किसी ने कुछ कह दिया तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा जब तक उसको चार बातें नहीं सुनाएंगे। अजीजों अगर हम रसूल के मानने वाले हैं, अली बतूल के चाहने वाले हैं, तो अपने किरदार को हम ऐसा बनाए जैसे अली बतूल चाहते हैं, जैसे वक्त का इमाम चाहता है, जैसे इमाम हुसैन चाहते हैं। अजीजों इमाम हुसैन करबला के मैदान में किस लिए आए थे? अजीजों अगर जंग करना होती तो बीवी और बच्चों के साथ ना आते, बहनों के साथ ना आते, इस काफिले को लेके चले हैं कि मेरे नाना के दीन की इस्लाह हो जाए। और अजीजों इस फर्श आजा पे आने के बाद अगर हम उस मकसद को ही बुला बैठे फिर अजीजों यहां पे आने का फायदा क्या है? इस फर्श आजा से कुछ हासिल करके उठे अजीजों, जब ये काफिला 28 सफर को चला है, मक्के में रहा और ये मक्के से जब चला है तो अजीजों आगे हुर का काफिला आता है और इमाम हुसैन के रास्ते को रोकता है। ये मुफस्सल मसाइल जनाब हुर की तारीफ आएगी, आपके खिदमत में अर्ज किया जाएगा। अब काफिले का रुख मुड़ा, अभी काफिला जा रहा है अजीजों, एक बयाबान एक सहरा में यह काफिला पहुंचा। आज की तारीख 2 मुहर्रम की तारीख हो गई है अरबाब आज़ा। अज़ीज़ों जैसे ही करबलाए मुअल्ला में ये काफिला पहुंचा है, तारीख ये कहती है घोड़े को जुलजना को ठोकर लगी, जुलजना
वहीं पर हो गया। इमाम ने बड़ी कोशिश की कि सुजना आगे चले लेकिन आगे नहीं बढ़ा। किसी ने सवाल किया, आपको तो आपके हुक्म को पूरी कायनात मानते हैं, ये तो आपकी सवारी है, आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर है। अजीजों दो मकाम ऐसे हैं जहां पे इमाम का रहवार आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। एक दो तारीख मुहर्रम की है जब करबला के मैदान में इमाम का जुलजना इमाम का घोड़ा बढ़ा है, ठोकर लगी वहीं पर रुक गया। और अजीजों रोजे आशूर जब आखिरी वक्त इमाम का घोड़ा आगे जाना चाहता है, इमाम एड़ लगा रहे नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि जनाबे सकीना ने इमाम के घोड़े के पांव को पकड़ लिया था। अजीजों वो मसाइब रोजे आशूरा बयान होंगे। अरबाब आजा खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अजीजों जब ये घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तो अब अजीजों काफिलों को देखभाल करने के लिए मौला अब्बास थे आगे आए। आने के बाद कहा, अनवार ऐ मेरे सैयद व सरदार, शायद ही घोड़ा थक गया है, दूसरी सवारी लाता हूँ। अब जुलजना को बताया गया, दूसरी सवारी आई। जैसे ही दूसरा जानवर आया आगे एक कदम बढ़ा, ठोकर लगी फिर रुक गया। तारीख ये कहती है अजीजों सात घोड़े सात सवारियां बदली गईं। उसके बाद अजीजों जब सात सवारियां बदली गईं, तारीख ये बयान करती है इमाम ने कहा, ऐ भैया अब्बास जो इस शहर में देखो सबसे नजदीक कबीला हो उसे बुला लाए। अजीजों कल भी देखा था आज भी देखा अजीजों, ये मसायदे इमाम हुसैन है, इसमें घुट घुट के दर्द हो जाता है, डांट मार मार के क्रिया करे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक जवान के लाशे पे एक बूढ़ी माँ चिल्ला चिल्ला के फरियाद करके क्रिया करती है। अजीजों एक मुख्तसर सी रवायत, उसके बाद इबादत तमाम करूंगा। अजीजों मसायब पूरे बयान करूंगा, उससे पहले ये रवायत सुनते चले। अजीजों एक शख्स था मजलिस में आता था, घुट घुट के गिरिया करता था, रोता था। एक बार काम में क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के सामने एक लागर और नातवान एक ज़ईफ बुजुर्ग बैठा हुआ है। उससे इजाजत तलब की, कहा मैं इस कस्र इस महल में जाना चाहता हूँ, कहा इजाजत है तुझे जा। अब जैसे ही वो महल में जाता है उसके बाद अजीजों आप जाने आपका काम जाने किस तरीके से गिरिया करते हैं, इमाम को पुरसा देते हैं इस रवायत के बाद आप जाने और आपका गिरिया जाने। अरबाब आजा अजीजों वो शख्स जैसे इमाम की इजाजत मिली अब वो अंदर दाखिल हुआ, क्या देखता है कि कुछ जगह पे बेहतरीन फूल लगे हुए हैं, कुछ जगह पे बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, लेकिन कुछ जगह पे ऊसर बंजर जमीन है, वहां पे कुछ नहीं है। ये चीजें देखता है बड़ा उसे अजीब लगा, कहीं पे अच्छा लग रहा है कहीं पे खराब लग रहा है। आने के बाद कहता है, भाई मैं अंदर गया था, जितना बाहर से खूबसूरत है उतना अंदर से खूबसूरत नहीं। ऐ ज़ईफ तू मुझे ये बता तू है कौन। अब अजीजों जैसे ही सवाल किया अजीजों हमारे और आपके चौथे इमाम ने कहा, ऐ मेरे चाहने वाले तूने मुझे पहचाना नहीं, अरे तेरा चौथा मजलूम इमाम, अरे सैयद सच्चा। और बाबे आजा उसके बाद मौला से हाथ जोड़ के कहता, मौला ऐसा क्यों है, कहीं कहीं पे अच्छे फूल है कहीं कहीं पे बंजर जमीन है। इमाम ने कहा, ऐ शख्स तू जब कभी भी अरे मेरे बाबा की मजलिस में जाता था बगल वाले के खौफ से अपने दोस्त के खौफ से कि मुझे वो चिढ़ाएगा, इसलिए तू घुट घुट के रोता था, ये घुट घुट रोने का नतीजा है। जब तू बाबा से बुलंद रोता था तो तेरे लिए बेहतरीन महल बनाया गया, लेकिन जब तू घुट घुट के रो रहा है वो बंजर जमीन है। अब अजीजों जिस तरह रोना चाहते हैं रोए। अजीजों इसको मुहर्रम को काफिला जब सर जमीन करबला पहुंचा, अब मौला अब्बास को हुक्म मिला। मौला अब्बास ने अजीजों बनी असद का सबसे नजदीक काफिला था वहां पर से वहां रहता था कबीला वहां से बुला के लाए। अब जैसे कबीले वाले आए तो इमाम ने पूछा, ऐ लोगों इस सहरा को क्या कहते हैं। किसी ने कहा इसे शत्ते फुरात कहते हैं।
عزیزوں امام کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ امام تو ہر ایک چیز سے واقف ہے، لیکن امام اپنا اصحاب کو بتانا چاہتے ہیں۔ پھر سوال کیا، اسے کہا اس کا اور کیا نام ہے؟ تو کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ پھر امام نے سوال کیا، ذرا اور بتاؤ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اب عزیزوں لوگوں نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ اب جیسے یہ کہا ارباب آزاد، اس کے بعد امام نے کہا اس کا اور کوئی بھی نام ہے؟ عزیزوں امام عجب نہیں، امام سننا چاہتے ہوں اس کا اور کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا اس کے علاوہ نام نہیں جانتے، اس کے کوئی نام نہیں۔ تو امام نے کہا تمہارے قبیلے میں اگر کوئی بزرگ شخص ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ ارباب اعظم، اب ایک ضعیف اتنا کمزور لاغر شخص تھا کہ خود نہیں آ سکتا تھا، اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا گیا۔ اب جیسے ہی امام نے اس سے سوال کیا تو عزیزوں امام کو اس نے بتایا اس سرزمین کو کربلا کہا جاتا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اب جیسے امام نے کربلا کا نام سنا کہا ہے بھیا عباس محملوں کو بٹھا دیا جائے، یہیں پر خیمے لگائے جائے۔ ارباب اعظم جیسے امام نے یہ جملے ادا کیے، ارے وہ بزرگ تڑپ اٹھا کہا ارے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اگر کوئی یہاں سے نبی یا نبی زادہ گزرا ہے تو سکون سے نہ گزرا ہے، ارے اس کے بدن سے لہو ضرور بہا ہے۔ مولا یہ نبی زادوں کو یہ جگہ راس نہیں آئی؟ امام نے کہا نہیں، میں اسی جگہ کو بسانے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزوں امام نے بلایا اور کہا اس زمین کے مالک کو بلایا جائے۔ اب عزیزوں مولا نے کہا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تمام عزیزوں بنی اسد کے جوان آ گئے، آقا آپ جب تک رہنا چاہتے ہیں رہیں، مولا خریدنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب عزیزوں مولا نے کہا نہیں، میں چند روز کے لیے نہیں بلکہ اب یہاں پر قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا۔ اب عزیزوں وہاں پر امام نے زمین کو خریدا۔ اب عزیزوں ابھی اسی اثنا میں جناب زینب نے کہا اے میری پزا، اے پزا جاؤ، ارے میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ عزیزوں ابھی پہلا خیمہ لگایا گیا تھا، جیسے جناب زینب اندر داخل ہوئی ایک گریہ زاری کی آواز آئی، امام حسین اندر تشریف لائے، کہا اے بہن زینب میں تو ابھی بنو اسد سے باتیں کر رہا تھا، ارے مجھے کس لیے بلایا؟ کہا بھیا جب سے میں خیمے میں آئی ہوں ایک جانی پہچانی آواز ہے، ارے ایسے گریہ کر رہی ہے جیسے اس کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب، ارے تم نے پہچانا نہیں، یہ تو ہماری اماں فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ جنت البقیع سے آ گئی۔ عزیزوں اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں اے بہن میں مفصل بات کروں گا، پہلے بنو اسد سے باتیں کر لوں۔ اس کے بعد عزیزوں امام حسین آئے، کہا اے بنو اسد کے جوانوں اس زمین کو کاغذ پہ لکھا جائے۔ اب عزیزوں اس کے کاغذات مہیا کرائے گئے۔ اب جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا تو اپنے بھائی کو پیغام پہنچایا، اے بھیا اس پہ زمیندار کا نام لکھا جائے گا، یہ زمین ارے میرے بھتیجے علی اکبر کے نام لکھی جائے۔ میں کہوں گا اے بی بی، ارے جس علی اکبر کے لیے یہ زمین لکھوا رہی، ارے وہ صرف 8 دن کا مہمان۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں المختصر یہ کہ زمین لکھ دی گئی۔ اب جیسے ہی زمین نامہ لکھ دیا گیا، امام نے اس زمین نامے کو ان کے حوالے کیا، ان کو ہبا کیا، اور کہنے کے بعد کہا اے لوگو میری 2 شرط ہیں۔ عزیزوں دیکھیے امام اس عالم میں بھی ہمیں فراموش نہیں کیا،
इमाम ने कहा है लोगों, अरे जो कोई भी हमारा आजादार हमारी जियारत के लिए आए यहां से भूखा ना जाए, अरे उसे 3 दिन मेहमान रखना। और उसके बाद अजीजों दूसरी शर्त मौला ने बयान की कि जब मेरे बदन को जालिम तैयब को तनहा छोड़ के चले जाए, अरे मेरे बदन बगैर सर के होंगे, तो आना तुम लोग मेरे बदन को दफना देना। उसके बाद अजीजों जवानों को इकट्ठा किया, कहने के बाद कहते हैं जवानों आना तुम इधर, और आते आने के बाद मेरे लाशों को दफना देना। उसके बाद अब जैसे ही ये जवानों से वसीयत कर चुके, तमाम खवातीन को बुलाया, बुलाने के बाद अजीजों खवातीन से कहा कि ऐ खवातीनों अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत की खौफ की वजह से ना आ सके तो तुम फुरात में पानी के बहाने आना और हमारे जनाजे पे एक मुट्ठी खाक डाल देना। और अजीजों ये कहने के बाद अब इमाम हुसैन बच्चों से मुखातब होते हैं, बच्चों से मुखातब होने के बाद कहते हैं बच्चों अगर तुम्हारे वालदैन हुकूमत के खौफ की वजह से ना आ सके तो तुम खेलते खेलते आना और हमारे जनाजों पे एक मुश्त खाक डाल देना। अब अजीजों आशूरा गुजर चुकी, सिर्फ आखिरी रवायत और इबादत तमाम करता हूँ। अजीजों ये रवायत जो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ हमने कहीं पढ़ी नहीं लेकिन सुनी जरूर है अजीजों, अपनी आंखों से देखा भी है और अजीजों सुना भी है। अब अजीजों जैसे ही अजीजों रोजे आशूरा खत्म हो गई, अजीजों 3 दिन के बाद बनु असद के जवान आए। अजीजों आज भी वो रस्म है 12 मुहर्रम की सहपहर को तमाम बनु असद के जवान आगे आगे होते हैं, उनके पीछे तमाम खातून होती है और उनके पीछे बच्चे होते, कहते हैं मौला आपने हमारे अजदाद से वसीयत की थी आज भी आपके खिदमत में हम आ गए। और बाबे आजा उसके बाद जैसे ही बनु असद के जवान आए, अब जैसे ही मैदान में आए बड़े बेचैन थे, परेशान हाल थे। उस परेशानी के आलम में वो देखते हैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ बदन दिखाई दे रहे हैं, उनके बदन के ऊपर कोई सर नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे पहचानूं कि कौन है। अजीजों इसी असना में क्या देखते हैं, एक नाका चला आ रहा है, उस नाके के ऊपर एक जाहिर शख्स बैठा हुआ, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़िया। अब अजीजों जैसे वो शख्स आता है हाथों से हथकड़ियां पैरों से बेड़िया निकलती है, अब अजीजों आने के बाद वो आता है एक जवान के लाशे पे जाता है, तड़प के कहता है हाय मेरा भैया अली अकबर। अजीजों एक एक के लाशे को मुख्तसर किया रवायत, फिर कभी खुदा ने अगर हयात दी तो भरपूर मसाइब पढ़ूंगा। अब अजीजों अल मुख्तसर ये इमाम ने तमाम जनाजों को दफना दिया। अजीजों जब मौला अब्बास के जनाजे के करीब पहुंचे हैं तो तमाम लोगों को हटा दिया, कहा दूर हो जाओ। और उसके बाद अजीजों कुछ देर तक मौला कब्र के अंदर दाखिल हुए और बहुत देर तक रहे। रावी कहता है मैंने क्या देखा, इमाम सज्जाद थे, मौला अब्बास का सीना था, सीने पे चेहरा रख के कहते थे आए आका आए चचा आप रात पे सो गए, आपकी बहन अरे कूफे में बलवाए आम में बेरिदा घुमाई जा रही है। खुदा कोई गफलत सिवाय मज़लूम करबला के मुख्तसर किया। अजीजो अब इमाम ने कहा ऐ बनु असद के जवानों एक चटाई लाओ, और उसके बाद उस चटाई पे उस बोरिए पे अजीजो कुछ टुकड़े जमा किए। अब उसके बाद इमाम उस जनाजे को उठा के दफन करना चाहते थे, अजीजो पीछे से आवाज आई ऐ बेटा सज्जाद अरे जरा रुक जा मैं भी कांधा दे दूं। अजीजो वो जानते कौन आवाज थी, कोई और नहीं बल्कि हजरत आदम आए, का बेटा जरा रुक जा मैं भी हुसैन को कांधा दे दूं। अजीजो फिर कदम आगे बढ़ाया, फिर आवाज आई ऐ बेटा
सज्जाद जरा आहिस्ता चल, आहिस्ता चल, अरे मैं भी कांधा लगा दूं। अजीजो जानते हैं वो कौन था? वो जनाब नूह है, अल मुख्तसर ये ईसा है, इदरीस है, इलियास, तमाम नबी आ गए। अजीजो अब जनाब इमाम सज्जाद इमाम हुसैन का लाशा लेके चले। जैसे ही आगे बढ़ते हैं अजीजो एक आवाज आई, ऐ बेटा सज्जाद अरे जरा ठहर जा, मैं भी अपने नवासे को कांधा देता चलू। अजीजो मुख्तसर किया, सिर्फ आखिरी बात, इबादत तमाम, तमाम के तमाम आ गए, रसूल अल्लाह भी आ गए, मौला अली भी आ गए, इमाम हसन मुज्तबा आ गए। अजीजो अब जैसे ही इमाम सज्जाद इमाम हुसैन खलासा लेके आगे बढ़े, एक आवाज आई, ऐ बेटा सज्जाद जरा हिस्सा चल, ओ बेटा सज्जाद अरे मेरी तरफ से भी कांधा मेरे आका को दे दे, अरे मैं इतना मजबूर, मेरे दोनों बाजू कुरान पे कलम कर दिए गए, ऐ बेटा सज्जाद मेरी तरफ से मेरे आका को कांधा दे दे। हमारे मुख्तसर से बात करो।